कौन? संगीता बेटी? ओ रामचरण अंकल। हाँ आप गाड़ी से बोल रहे हैं? हाँ बेटा बिल्कुल गाड़ी से बोल रहे हैं, हम लोग कलकत्ता पहुँच चुके हैं। हम? इसका मतलब है कि आप और दादाजी भी? ऑफ कोर्स। दैट्स ग्रेट न्यूज़। अच्छा आप लोग सीधा यहीं आ रहे हैं ना? नहीं बेटा, वो तुम्हारे काको जी जो है वो अपने पुराने घर जाने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। ओ नो। अच्छा इस वक्त आप लोग कहाँ से बोल रहे हैं? इस वक्त हम लोग बिल्कुल विक्टोरिया मेमोरियल के सामने से बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके बाय। यस। किसका फोन था संगीता? किसी का भी नहीं माँ। अरे अरे कहाँ जा रही है तू? मैं कहीं नहीं जा रही, बाय। अरे संगीता सुन तो। अरे 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 कहाँ भागी चली जा रही हो? कहीं नहीं जा रही हूँ बड़ी भाभी, अभी आ रही हूँ, बाय। कहाँ दौड़ी जा रही है? कहीं नहीं बाबूजी, बाय। ये संगीता कहाँ गई? मालूम नहीं। पर तुम क्या कर रही हो? अपने दादाजी को प्यार कर रही हूँ। So sweet of you. ये मेरे प्यारे प्यारे दादाजी के लिए। अरे वाह 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 वाह, हमारी प्यारी प्यारी पोती ने हमें प्यारे प्यारे फूल दिए। थैंक यू वेरी मच। You're welcome. दादाजी मैं आपको एक बात पूछूं? हाँ बेटे जरूर पूछो। दादाजी हाँ? आपकी इतनी बड़ी कोठी है, वहां पर गार्डन है, फूल है, हम सब है, फिर अब हम सबको छोड़कर यहां क्यों आए रहने के लिए? सही पूछा बेटे, फिर मैं तुम सबको छोड़कर यहां क्यों आया? क्योंकि वहां सब कुछ है तो मैं मानता हूं, लेकिन वो सब कुछ नहीं है जो यहां है। अच्छा और यहां ऐसा क्या है जो वहां नहीं है? पुरानी यादें बेटे, ये वो घर है जहां से तुम्हारी दादी और मैंने अपनी जिंदगी शुरू की थी। और इसीलिए आप मेरी दादी के अंतिम दिनों में उन्हें इस घर लेकर आए थे, है ना? ये भी उसी की इच्छा थी बेटे। दादाजी मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मेरी दादी को कितना प्यार करते थे। आज साल हो गया उन्हें गुजरे हुए। प्लीज दादाजी अपने आप को संभालिए। अरे आप तो इतने हिम्मत वाले इंसान हैं, अपनी लाइफ टाइम के ओनली लेजेंडरी फिगर, पूरे बिजनेस वर्ल्ड में दी ओनली लीडर, सिर्फ मेरे दादाजी। दादाजी आप तो हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं, हमें हौसला देते हैं। यू कांट डू दिस, प्लीज गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ प्लीज। ओके, शायद मेरी पोती ये नहीं जानती, इसी शक्ति को पाने के लिए मैं इतने दिन अपने गुरुजी के चरणों में गुजार कर आया हूं। दादाजी बोलो। दादाजी ये गुरुजी, ऐसा नहीं कि मैं उनकी इज्जत नहीं करती, ही मस्ट बी अ ग्रेट मैन, बट दादाजी आपको यू नो यू डोंट नीड सम कथा और सम भजन और योगा। दादाजी व्हाट यू नीड नाउ इज एंटरटेनमेंट, आपका मनपसंद संगीत, कुछ शेर और शायरी, कुछ कुछ ड्रामा, कुछ थिएटर, दादाजी सब सब जोक्स। दादाजी मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ, एब्सोल्युटली फ्रेश वन, द ओवर एक्साइटिंग वन। जोक? अब मुझे? यस दादाजी। तू नहीं बदल सकती, हमेशा बच्ची की बच्ची रहेगी, चल यहाँ से। थैंक गॉड मेरे दादाजी के चेहरे पे थोड़ी हंसी तो आई, वरना आप भुने हुए बैंगन लग रहे थे। भुना हुआ बैंगन? मी? So this was the great joke, fresh from the oven, bhuna hua bangan. Wala se mili. Anyway, mazak chodo aur ye batao ki mujhe Kolkata bulane ki kya jaldi thi.
दादाजी ये एक लंबी दास्तान है। लंबी दास्तान मतलब? है? तू बोलती क्यों नहीं? Come on, बेटे। रामचरण जी, बच्ची के लिए कुछ ठंडा मांग भाई। आपके लिए चाय भिजवा दो। जी हाँ, मैं चाय पी। चलो बेटे, बोलो। दादाजी, तो तुम्हें भी पता नहीं है कि संगीता कहाँ गई है, क्यों गई है? कहाँ ना नहीं मालूम। कैशनट लाई हूँ बाबूजी, अभी फ्राई किए मैंने। ब्लड प्रेशर के लिए अच्छे नहीं है तेरे बाबूजी। आप ही लोग बढ़ाते हो मेरा ब्लड प्रेशर। बहू, तुम्हें भी नहीं मालूम है कि संगीता कहाँ गई है? जी जी नहीं बाबूजी। कुछ आइडिया, कुछ अंदाजा? जी नहीं। चाय ठंडी हो रही है आपकी। जानता हूँ। तुम्हें उसने बताया नहीं कहाँ जा रही है? जी जी नहीं। वैसे क्या? जी वो आज सुबह काकू जी आ रहे थे ना, तो शायद उन्हीं से मिलने गई हो। काकू जी आ रहे हैं? तुम्हें कैसा पता? जी वो कल रात मैंने। कल रात क्या? जी मैंने कुछ पूछा बहू। जी वो दरअसल कल रात मैंने संगीता को गुरुजी के आश्रम में रामचरण अंकल से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था, तो उसी से अंदाजा लगाया। क्या? जी वो सीधे सीधे बताती क्यों नहीं बहू कि रामचरण को संगीता ने कह दिया होगा कि काकू जी लौट आए, यहाँ उनकी जरूरत है। ओहो, अगर कह भी दिया होगा तो कौन सा आसमान टूट पड़ा या कहर बरपा हो गया? जी काकू जी की पोती है, उसका घर में कुछ अधिकार है कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहाँ तो इस घर में सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। क्या वो, क्या उसका भाई? हेलो, हेमंत अग्रवाल स्पीकिंग। हेलो बाबूजी, मैं विशाल बोल रहा हूँ। बाय लागू बाबूजी। हेलो बाबूजी, हेलो विशाल। तो तुम अपने विशाल भाई जी को लेकर परेशान हो? पियो। दादाजी आप नहीं जानते कि मैं विशाल भाई जी को कितना प्यार करती हूँ। घर में सब उन्हें चाहते हैं दादाजी, क्या मैं, क्या माँ, क्या बड़े भाई जी और क्या भाभी, हम सब उन्हें चाहते हैं। लेकिन लेकिन क्या? There is a cold war going on between बाऊजी and विशाल भाई जी। क्या तू ये समझती है कि तेरे बाऊजी और विशाल एक दूसरे को चाहते नहीं, उनमें प्यार नहीं है? तो होता रहे, लेकिन ये झगड़ा क्यों, किस लिए दादाजी? अगर आप घर में होते तो ये सब होता? झगड़ा तो फिर भी होता बेटे। हाँ, इतना फर्क जरूर पड़ता कि मेरे डर की वजह से खुलकर सामने नहीं आता, क्योंकि जितना गर्म मिजाज खुद हेमंत है उतना ही उसका बेटा भी। लेकिन ये भी सिर्फ गर्म मिजाज ही है क्या? इसे भी आप प्यार का नाम देंगे बाप बेटे में? संगीता रोना बंद करो और मुझे बताओ साफ साफ बात क्या है। जानते हैं 10 दिन हो गए भाई जी को कनाडा से आए हुए, बॉम्बे के होटल में ठहरे वो भाभी को लेकर। बस एक बार फोन किया था उन्होंने और वो भी बड़े भाई जी से बात की, उसके बाद ना फोन आया और ना ही वो यहाँ कैलकटा आना चाहते। और बाबूजी ने तो हम सबको कह दिया कि कोई भाई जी से बात ना करे। माँ का तरफ तरफ कर बुरा हाल हो रहा है, हम सब भाई जी से मिलने के लिए बेकरार है दादाजी। बात यहां तक आप पहुंची, मुझे इसी का डर था बेटे। हेलो, हेलो काकू जी, हेलो काकू जी, मैं विशाल बोल रहा हूं। पाए लागू जी,
जीते रहो विशाल बेटे, जुग जुग जियो। बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए ही फोन किया था काकू जी। क्या मतलब? मैं कनाडा वापस जा रहा हूं। लेकिन काकू जी, जो आशा लेकर मैं बंबई आया था उसमें मैं नाकाम रहा, सो कल की फ्लाइट से। इतनी जल्दी हार मान ली तुमने? इस देश में हम जैसों की जगह नहीं है काकू जी। बस अफसोस इस बात का है कि आपकी प्रेरणा पाकर जो आदर्श पूरा करना चाहता था वो नहीं कर पाऊंगा। मिले बगैर ही चले जाओगे? मजबूरी है। अगर आपसे मिलने आऊंगा तो एम्बैरेसमेंट होगी। किस बात का एम्बैरेसमेंट? अगर आपसे मिलने आऊंगा तो मुझे वहां पर भी जाना होगा काकू जी, जहां ना मेरी ना ही मेरी वाइफ की कदर है। कुछ देर पहले ही क्या संगीता तुम? हाँ छोटे भाई जी। तो फिर तुम भी सुन लो मेरी गुड़िया, कुछ देर पहले ही मैंने घर फोन किया था। बाबूजी ने फोन उठाया, मेरी आवाज सुनी और फोन नीचे रख दिया। फिर आरती ने नंबर मिलाया, बाबूजी को बताया कि मैं आरती बोल रही हूं, पर बाबूजी ने फिर से फोन नीचे रख दिया। हो सकता है कि कोई गलत नंबर लगा हो। ये कहकर ना तुम अपने मन को बहला सकती हो ना मुझे। खैर एनीवे, मां भैया भाभी को मेरा पाय लागे कहना, बाहूजी को भी चाहे वो। क्या हुआ? दादाजी भाई जी नहीं आएंगे, अब वो कभी नहीं आएंगे। सुन लिया ना तुमने? सॉल्व होगा, सॉल्व फिनिश। विशाल, मुझसे सिंपैथी की आशा मत रखना। आई एम नॉट हैप्पी अबाउट ऑल दिस। तो मैं क्या करूं? हाँ क्या करूं मैं? सॉरी ओके, सॉरी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसे करूंगा। भी अधिकार नहीं है मेरा ये जानने का कि किसका फोन था। रॉन्ग नंबर था। पहली बार और दूसरी बार भी उसे ज़रे कर रही हो क्या? नहीं, राग पहचानने की कोशिश कर रही हूं। बंबई से फोन था। विशाल का था। क्या कसूर है मेरे बेटे का? जान सकती हूं? जानती नहीं हो क्या? नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूं कि मेरा विशाल बेकसूर है। हेलो भाई जी, नमस्कार, मैं रामचरण बोल रहा हूं। हाँ बोलो रामचरण। सेठ जी ने, आपके काकू जी ने कहा है कि आज इतवार है, वो लौट आए हैं आश्रम से, तो आप लंच इधर ही आकर कीजिएगा। लेकिन आज तो आप कीजिएगा भाई जी, सेठ जी ने ये भी कहा है कि इस नियुक्ति को आदेश समझ के आ जाइएगा। हाँ रामचरण जी, हम जरूर आएंगे। काकू जी से कहना उनकी बहू भी साथ आ रही है, बहुत दिन हो गए उनके महाराज के हाथ का खाना खाए। ठीक है भाई। अपना तो ये असूल है कि जीवन जतरे स्यून, जब तक जान में जान है ये छोटे मोटे मसले पीछे छोड़ने वाले नहीं। सोचा तो मैंने भी ये था, ये काम काज घर गृहस्थी छोड़ के अलग हो जाऊंगा, लेकिन नहीं,
लगता है मेरे बेटे को ये पसंद नहीं है। क्यों काकू जी, मैंने ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दी? अब ये मत कहना कि तुम ये भी नहीं जानते कि मैंने तुम्हें यहां बुलाया क्यों है। काकू जी, खाना बहुत अच्छा बना है खुशीराम। देखो बेटे, तुम घर जाओ, इम्तिहान के दिन सर पे आ गए, थोड़ी पढ़ाई कर लो जाके। तब तक हम बुजुर्ग आपस में थोड़ा प्यार बांट लेते हैं। श्योर दादाजी। दादाजी, थोड़ा सा प्यार हमारे हिस्से का भी बचा कर रखिएगा। तो जंग जारी है, जंग बाप बेटे। देखो, पगड़ी कसकर बांधोगे तो तकलीफ ही होगी, मेरी बात मानो, झूठी शान छोड़ो और विशाल से कॉम्प्रोमाइज कर लो, वरना बेटा खो दोगे। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है काकू जी? तुमने कुछ नहीं किया। मैं तो कब से कह रही हूं, लेकिन काकू जी, ना तो उसके जिद बर्दाश्त है मुझे, ना ही उसके खुद मुख्तारी। बेटा जवान हो गया है, इतना तो शायद मालूम होगा। तो हर जिद बर्दाश्त करें उसकी, बाकी फैमिली की तरह बिजनेस में पढ़ने के बजाय, जिसमें वो लाखों करोड़ों कमा सकता था, काकू जी मेडिकल के लाइन में चला गया, ये भी टॉलरेट किया मैंने, लेकिन मुझसे पूछे बिना बाहर शादी कर ली, ये कैसे बर्दाश्त करूं मैं? ये घड़ी है, लो इसकी सुइयों को पीछे घुमा देता हूं, लेकिन क्या उन्हें आगे बढ़ने से रोक पाऊंगा? हमें बदल रहा है, ये क्यों भूल रहा है? और ये भी कैसे भूल जाऊं काकू जी के ब्रिस्बेन से उसकी बेटी सीमा मांग चुका था मैं विशाल के लिए। विशाल से पूछे बिना पूछने की जरूरत क्या थी? क्यों, जानता था सीमा और वो एक दूसरे को चाहते हैं। चाहते हैं ये मैं भी जानती थी, पर सगाई तो नहीं हुई थी ना उनकी। जैसे मैं नवरात्रों में विशाल की सगाई के लिए पत्र लिख रहा था काकू जी, उधर से विशाल का पत्र आ गया, किस बात के नाम फोटो के साथ, ये लिखकर कि इससे शादी कर लिया उसने। मैं आशीर्वाद भेज दूं। और भेज दिया इन्होंने आशीर्वाद, रोकड़ भेज कर, एक शब्द भी लिखे बिना 101 रुपयों को लिफाफे में डाल दिए। चाहे मेरा बेटा उसे आशीर्वाद समझे, घर भर में किसी को इजाजत नहीं कि बेटे या बहू को पत्र लिख भेज या टेलीफोन तक कर सके। उसकी भी अपनी कोई मजबूरी हो, तुम समझते क्यों? कैसी मजबूरी था कुजी? कि तुम नहीं समझो, मैं जानता हूं उसने मुझे तो कॉन्फिडेंस में ले लिया, लेकिन तुम्हें अपने सगे बाप को नहीं ले पाया। काश उसने मुझे अपने स्तर की कसम न दी होती तो मैं बताता कि इसकी मजबूरी क्या। ठीक है काकू जी, कलेजी उसे आप ही लगा लीजिए, मेरा उसका नाता तो खत्म हो चुका है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर आया है, उससे मीटिंग है मेरी। अच्छा मैं चालूंगा। आजकल कमाता कम है जो सट्टेबाजी में पड़ गया। कौन समझा रहे हैं? इनकी बातों का बुरा मत मानना काकू जी, आपके लिए जितनी इज्जत इनके दिल में है और किसी के लिए नहीं। घर को बिखरने से बचाइए काकू जी।